बुरहानपुर के बहुचर्चित कामिनी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को जिला न्यायालय में मुख्य आरोपियों के बयान दर्ज हुए। गौरतलब है कि 27 फरवरी वर्ष 2009 में शहर की मैक्रोविजन एकेडमी स्कूल के बाथरूम से कामिनी का अधजला शव मिलने के बाद पुलिस कार्यवाही में 5 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया था, जिसमें कामिनी के जेठ एवं मैक्रोविजन के संचालक आनंद चौकसे, पत्नी मंजू शाह चौकसे, कामिनी का पति अनूप मालवीय, चाचा ससुर अनिल मालवीय एवं चाची सास भारती मालवीय को आरोपी बनाया गया। परंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने हत्या की धारा को भी जोड़ दिया था। वर्ष 2009 के बाद से सभी आरोपी जमानत पर रिहा थे। करीब 9 वर्ष बाद शुक्रवार को इस बहुचर्चित हत्याकांड मामले में पांचों प्रमुख आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। बताया जा रहा है कि कामिनी चौकसे परिवार की बहू थी एवं मैक्रोविजन के संचालन का कार्य देख रही थी तथा पति अनूप मालवीय एवं उसके परिवार के सदस्यों पर दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या के आरोप लगे थे। वही मैक्रोविजन के संचालक आनंद चौकसे द्वारा कामिनी और उसके पति को अपना रिश्तेदार न बताकर बचने का प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्य आरोपियों के बयान के बाद कामिनी के परिवार को न्यायालय के फैसले का इंतजार है। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।